Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for UPSC Civil Service Preparation. Namaskar dosto, aap sab ka swagat hai Studio Rise ki channel ke upar. Main aur mere team members aapke liye daily different topics ka lectures leke aa rahe hain and we are very much thankful to you ki aap sab ke jo feedback mile hai humko, wo feedback ke karan humko aur bhi motivate hota hai, humko aur bhi lagta hai ki we can do something fruitful for you when it comes to UPSC preparation sitting at your home, that too free of cost. Okay, ye to ek hamara sabse bada motto raha hi hai. Khair, main aapko Unacademy Studio Rise ke upar kafi dinon se art and culture, ancient, medieval history sab kuch padha raha hu. Aaj ka hamara session hai wahan pe fir se hum log art and culture ke upar discuss karenge. To art and culture humne medieval architecture ko already shuru kar diya tha. We had discussed different topics related to the medieval architecture. Humne wahan tak discuss karne ki koshish ki thi ki jab hum log art and culture ko padhenge to usme inclusive architecture ko kaise deal kiya jayega, wahan tak maine aapko discuss karaya tha. अब देखिए, आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू द आर्ट एंड कल्चर. इसके लिए हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में करें. बाकी सारे टॉपिक्स में ऐसा हो सकता है कि उतना डिटेल में ना जाते हुए हमने एक ओवरव्यू लेंगे, बट आर्ट एंड कल्चर को हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर आर्ट एंड कल्चर की तैयारी हो पाए, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू. जब आपको प्रिपेयर करना होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो पहला तो आर्ट एंड कल्चर का पर्सपेक्टिव आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई उसका क्या सिग्निफिकेंस है आर्ट एंड कल्चर का. मैं मेरे बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ. मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल्स के अंदर एंड आई गाइडेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. पर्सनली मेंटरिंग किया हुआ है व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज. मैं अनअकैडमी स्टूडियो राइज के साथ साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी पढ़ाता हूँ. और बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी डाउट्स है कि सर आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर कब अपना कोर्स शुरू कर रहे हो, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मेरा एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जस्ट अभी लॉन्च हो रहा है. मतलब मैं खाली डेट आगे पीछे हो रही है, मैंने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है, तो यू विल गेट द टाइम टेबल एज वेल. तो दो स्टूडेंट्स जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए. मैं वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री को कराऊंगा. दैट विल इंक्लूड द पोर्शंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का जो पर्सपेक्टिव है हिस्ट्री के अंदर, हाँ ठीक है, तो उसको तो मुझे कवर कराना ही है उसमें. जैसे आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग हो गया, तो ये सब ऐसे टॉपिक्स है विच आर रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, तो वो तो मैं वहाँ पर भी आपको कराऊंगा, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. वेरी सून आई एम स्टार्टिंग द कोर्स, मोस्ट प्रोबली मिड ऑफ डिसम्बर में हम प्लान कर रहे हैं, तो विद इन अ वीक और सो आपको नोटिफिकेशन पे मिल जाएगी. तो जो जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं मैं कहूँगा कि आप जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हिस्ट्री को आप अलग से पढ़ने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी. और एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री तो बहुत ट्रिकी है. मतलब ट्रिकी इसके लिए है क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस का नेचर कुछ अलग रहता है. ठीक है, तो आई सजेस्ट कि आप जुड़िए हमारे साथ, आपको बहुत एडवांटेज रहेगा. प्लस के ऊपर एडवांटेज आपके लिए एक और ये है कि आपको मेरे अलावा ऑल एजुकेटर्स के क्लासेस मिलेंगे. ऑल एजुकेटर्स का मतलब ये है कि जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सब के क्लासेस का आप एक्सेस कर पाओगे. यू विल बी एबल टू वॉच ऑल द लेक्चर्स. ओके, आप उन सब के क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा. तो आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद आपको मल्टीपल एजुकेटर्स है उन सब के क्लासेस, उनके लेक्चर्स आप देख पाओगे, तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है. ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट्स मिल गए. हिस्ट्री के 3-4 एजुकेटर्स है, पॉलिटी के 3-4 एजुकेटर्स मिलेंगे, ज्योग्राफी के मल्टीपल एजुकेटर्स है, लाइक एन अमेजोन और नेटफ्लिक्स मॉडल. ठीक है, तो आप इसके बारे में डेफिनेटली सोच सकते हो. अभी 1 ईयर की जो सब्सक्रिप्शन फीस है अनअकैडमी प्लस के ऊपर, तो वो करीबन 40,000 रुपीज़ है. बट आपने अगर मेरा कोड यूज़ किया PNLI, द फीस विल कम बैक टू 36,000 रुपीज़. ठीक है, तो आपके लिए ये एडवांटेज होगा. 1 ईयर की फीस ऐसे तो 40 है, पर PNLI यूज़ करोगे तो 36,000 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस रहेगा व्हेन इट कम्स टू द सिविल सर्विस प्रिपरेशन. आप घर पे बैठे बैठे कहीं से भी कर सकते हो. उसी तौर के ऊपर 2 ईयर्स जो लोग प्लान कर रहे हैं, दो स्टूडेंट्स जो 2022 के अंदर प्लान कर रहे हैं 2021-2022, उनके लिए 2 ईयर्स का कोर्स ठीक रहेगा. मैं कहूँगा क्यों 2 ईयर्स, क्योंकि उसके पीछे का कारण यह है कि आप कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी कर पाओगे अच्छी तरह से. तो ऐसे 64,000 है, बट उसमें भी आपने PNLI यूज़ किया तो 57,600 हो जाएगा, इंक्लूडिंग अगर आप देखिए तो आपको
यहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है, आप ऐप स्टोर के ऊपर जाओ, डाउनलोड करो एप्लीकेशन को और उसके बाद आप लेक्चर्स को देख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। खैर, इतना मेरा पॉइंट था व्हेन वी सी द केस ऑफ द अनअकैडमी प्लस। हम लोग फिर से शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर को। हमने मिडिवल आर्किटेक्चर को शुरू किया था और मिडिवल आर्किटेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने विजुअल आर्ट के अंदर वी हैड डिस्कसिंग द आर्किटेक्चर पोर्शंस। और आर्किटेक्चर में मोस्ट प्रॉब्ली मैंने आपको पढ़ाया था कि दिल्ली सल्तनत के जो किंग्स थे वो कैसे प्रकार का आर्किटेक्चर करते हैं, ठीक है। तो मिडिवल इंडिया में अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया था, एंशिएंट आर्किटेक्चर वी हैव कंप्लीटेड। जो जो स्टूडेंट्स नए नए आए हैं उनको मैं कहूंगा प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द लिंक कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वरना तो क्या होगा, सब ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स के साथ एट टाइम्स दिक्कत ही होती है क्योंकि मैं कनेक्टिंग द डॉट्स के थ्रू हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूँ। मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ आई मेक श्योर कि उसको कनेक्शन के द्वारा पढ़ाया जाए, ठीक है। तो एट टाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स कनेक्शन के द्वारा नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, रैंडमली लेक्चर्स को एक्सेस के लिए आते हैं, तो यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जब पीरियड था तब उस दौरान बहुत सारे प्रोविंशियल किंगडम्स भी बने थे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि इन द कंटेम्प्रेरी पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत दे वर स्मॉल स्मॉल प्रोविंशियल किंगडम्स दैट इमर्ज इन इंडिया। और ये प्रोविंशियल किंगडम्स का आर्किटेक्चर भी एक अलग प्रकार का आर्किटेक्चर था, तो उसको भी हम लोग आज के क्लास के अंदर देखेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो मिडिवल इंडिया का आर्किटेक्चर था उसको क्या कहा जाता था। तो मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर को हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते थे, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ाया था। और इसकी शुरुआत इस्लाम के आगमन से होती है और दिल्ली सल्तनत के अंदर आपके आर्किटेक्चर बनते हैं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जो आर्किटेक्चर था वो कहाँ था, मेनली दिल्ली और आगरा वाले रीजन में ज्यादा था। मेनली अगर आप देखेगा तो ये दिल्ली वाला रीजन है और आगरा वाला रीजन है, वहां तक आपको ज्यादा मिलेगा। अब जब इस दौरान आपका दिल्ली सल्तनत का टाइम था तो यू विल फाइंड कि डाउन साउथ या भारत के अलग अलग विस्तार में आपको लोकल आर्किटेक्चर मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जौनपुर करके एक जगह है, वहां पे आपको लोकल आर्किटेक्चर मिलता है इसी दौरान, हाँ ठीक है। उसी तौर के ऊपर अगर आप देखिए तो यहाँ एमपी के अंदर मालवा नाम की जगह है, वहां पे भी आपको एक आर्किटेक्चर मिलता है। इंक्लूडिंग आप डाउन साउथ चले जाइएगा, डाउन साउथ का मतलब क्या है कि मैं कहूंगा कि डेक्कन वाले रीजन में, तो आपको बीजापुर नाम की जगह है, वहां पे भी आपको आर्किटेक्चर मिलेगा। बीजापुर और गोलकोंडा ये जगह है, वहां पे भी आपको आर्किटेक्चर का स्टाइल मिलता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे और उसके बाद साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर जाएंगे। और हम लोग देखेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर बना, तो उनके समय पे प्रोविंशियल आर्किटेक्चर भी कैसे बनता है। प्रोविंशियल समझ में आता है आपको कि जो प्रोविंसेस थे इंडिया में, जो रियासतें हुआ करती थी, ऑल द प्रिंसली स्टेट्स जिसे अंग्रेज कहते हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर आते आते, उनका आर्किटेक्चर कैसे बनता है उसको हम लोग आज के सेशन के अंदर भी देखेंगे, ठीक है। बट एज ऑलवेज हमने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स देखे थे। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हमको आर्क्यूएट मिला था, हमको मीनार का यूज मिला था, हमको मोर्टार मिला था पत्थर को ज्वाइंट करने के लिए, फ्लोरल डिजाइन मिली थी, याद आया कि नहीं है आपको, इंक्लूडिंग कैलीग्राफी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूफी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, कूफी कहते हैं। आरबेस क्यू डिजाइन जहां पे मैंने आपको फ्लोरल शेप डिजाइन बताई थी, जाली वर्क मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जाली, जाली याद आया आपको, ठीक है। तो बहुत सारी आपको पैटर्न उस तरह से मिलेगी, वाटर बॉडी मिलेगी, वाटर बॉडी का क्या सिग्निफिकेंस था वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। और इंक्लूडिंग आपको पीटराडूरा मिलता है जहां पे कलरफुल स्टोन्स को एंग्रेव किया जाता है ऑन दी कलरफुल स्टोन्स आर एंग्रेव्ड ऑन दी आई वुड से वॉल, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। इंक्लूडिंग आपको फोर सेटिंग टेक्निक भी मिलती है। फोर सेटिंग टेक्निक का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन, कि ये आपके मुगल्स के अंदर मिलेगी, तो मैं आपको मुगल्स के अंदर आऊंगा तब उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर आपको मोटार, आर्क्यूएट, ट्रू आर्क, कॉर्बल आर्क के बारे में क्या डिफरेंस है वो बता दिया था। दिस इज पीटराडूरा, दिस इज द जाली वर्क, इंक्लूडिंग वाटर बॉडी का क्या सिग्निफिकेंस था वो भी बताया था। और हमने इंपीरियल स्टाइल जो दिल्ली के सुल्तान्स ने बनाई थी वो आर्किटेक्चर पढ़ ली थी। दिल्ली के सुल्तान्स में हमने तीन चार डायनेस्टीज के बारे में मेनली देखा था पिछले क्लास के अंदर। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखा था, स्लेव के बाद हमने दूसरा जो डायनेस्टी पढ़ा था वो था खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी के बाद तीसरा आएगा तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। अब देखिए तुगलक के दौरान एक नई डायनेस्टी आपकी इनफैक्ट आर्किटेक्चर की स्टाइल बनेगी, सैयद
और पांचवा आएगा लोधी, ठीक है। तो ये पांच डायनेस्टी के दौरान आपके कौन से आर्किटेक्चर के स्टाइल बने, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बता दिया था। दिल्ली के सुल्तान अपने आप को शैडो ऑफ द गॉड कहते थे, वो कहते थे कि मैं खुदा का साया हूँ। इसके लिए ऑलवेज दे यूज्ड टू मेक श्योर कि वो जो भी मॉन्यूमेंट बनाएंगे वो गॉड के साथ इक्वल करके या इक्विवेलेंट करके बनाने की कोशिश करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, इंक्लूडिंग जब हम लोग दिल्ली के सुल्तान की बात करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे सिटीज बनाए और सिटीज के साथ साथ मैंने आपको बताई थी वाटर बॉडीज भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों हमने पढ़ाने की कोशिश की थी, इवन मैंने एनसीईआरटी के अंदर भी कवर कराया हुआ है। यही टॉपिक्स है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का मिक्सचर है, तो इसके लिए यहाँ पे भी आपको करा रहा हूँ साथों साथ। चलिए हम लोग जब देखते हैं स्लेव डायनेस्टी को, तो स्लेव डायनेस्टी ने कुतुब मीनार बनाया था। कुतुब मीनार का क्या सिग्निफिकेंस था मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ा दिया है। इंक्लूडिंग मॉस्क बनाते हैं, ये मॉस्क क्यों बनाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या था, तो लोग इकट्ठे होते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप होता है। गेटिंग माई पॉइंट, कुवतुल इस्लाम सबसे पहली मॉस्क, उसके बाद आपका जो इनफैक्ट डायनेस्टी आया खास करके खिलजी डायनेस्टी, वो खिलजी डायनेस्टी ने काफ़ी ठीक ठाक मॉस्क बनाने की शुरुआत की। अब देखिए थोड़ा बहुत खिलजी के बारे में पढ़ाता हूँ, खिलजी के अंदर हमने पढ़ लिया था, तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। देखो तुगलक का खासियत क्या था, तुगलक है ना कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं बनाता है, तुगलक के दौरान बड़े बिल्डिंग नहीं बनेंगे, तुगलक के दौरान सिटीज बनेंगे, याद रखेंगे। सिटीज कौन से, जैसे जहांपनाह नाम का सिटी है, याद रखेगा ये मोहम्मद बिन तुगलक करके एक राजा था, वो बनाता है, कौन बनाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ऐसा याद रखने का, ठीक है। जहांपनाह नाम ही देखो, इसको पगला राजा कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग क्या कहते हैं कि ये पागल किंग था। क्यों पागल किंग था, क्योंकि इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स दैट ही हैड स्टार्टेड विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों ने कहा था कि हमारे राजा जी का थोड़ा दिमाग गायब हो गया है, समझ में आया आपको, तो उसको पगला राजा इसके लिए कहा जाता है। खैर उसके साथ साथ अगर आप देखेगा तो एक सिटी है तुगलकाबाद, दिख रहा है आपको, तुगलकाबाद नाम का जो सिटी है, तुगलकाबाद नाम का जो सिटी है वो किसने बनाया था, याद रखेगा, तो वो बनाने की कोशिश अगर आप देखोगे तो बनाया था ग्यासुद्दीन बिन तुगलक ने, किसने बनाया था, ग्यासुद्दीन बिन तुगलक, GBT ऐसे याद रखेंगे हम लोग, वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी व्हेन ही किल्ड द खिलजीज, ओके, उसके बाद उसको मार के आया है। उसके बाद फिरोजाबाद या फिरोज शाह कोटला, ये कौन बनाता है, तो ये बनाता है फिरोज शाह तुगलक, कौन बनाता है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो तुगलक के दौरान आपको तीन चार सिटीज मिलेंगे, एक तो तुगलकाबाद, जहानपनाह और फिरोजाबाद, और भी फिरोज शाह तुगलक के दौरान सिटीज बनते हैं, जैसे मैं कहूँगा हरियाणा के अंदर हिसार है, हिसार वो ये बनाता है, इंक्लूडिंग वो कैनॉल्स बनाता है, कैनॉल इरीगेशन की तरफ भी जाएगा, ठीक है। तो आपको मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे मिलेगी तुगलक के दौरान। ऐसा है, याद रखिएगा कि ये क्राइसिस पीरियड है और यहाँ पे कोई बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं बनेंगे, जैसे प्रीवियस डायनेस्टीज ने बड़े बड़े मस्जिद और ये सब बनाया था, तो तुगलक थोड़ा कम बनाते हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। और इन्होंने ना स्लोपिंग वॉल्स बनाए, स्लोपिंग वॉल्स कैसे होते हैं, तो आपका कोई भी मॉन्यूमेंट होगा उसको सपोर्ट करने के लिए साइड में से आपको वॉल मिलेंगी, ठीक है। तो ये स्लोपिंग वॉल को हम लोग क्या कहते हैं, बटेर कहते हैं, क्या कहते हैं, बटेर, याद रखेगा। तो स्लोपिंग वॉल आर कॉल्ड एज बटेर, जो स्लाइड के अंदर आपको मिलेंगे, और कहा जाता है कि ये जितने भी स्लोपिंग वॉल्स थे इसी के द्वारा आपका कंप्लीट बिल्डिंग का जो स्टेबिलिटी है वो भी रहता था, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी के अंदर आपको इतना पॉइंट पता होना चाहिए जब हम लोग अलग अलग डायनेस्टीज के किंग की बात करते हैं। तुगलक के बाद आए आपके लोधी। अब जब लोधी की बात करेंगे ना, तो लोधी थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे, यहाँ से थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि कल के क्लास में हमने थोड़ा इसको डिटेल में नहीं पढ़ा था। लोधी क्या करते हैं, डोम आर्किटेक्चर बनाते हैं। डोम आर्किटेक्चर समझ में आता है आपको, तो यू विल फाइंड कि बड़े बड़े डोम बनाते हैं, तो जो भी उनकी मस्जिद बनती थी या लोधी के दौरान आपके जो भी आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, उन सब में लोधीज ने काफी सारे मॉस्क बनाने की शुरुआत की। गेटिंग माय पॉइंट नॉट। अब देखो लोधी की खासियत क्या है, लोधी की खासियत क्या है कि इन्होंने जब डोम बनाया तो डबल डोम के रूप में बनाया। डबल डोम समझ में आता है, व्हाट डू मीन बाय डबल डोम, तो डबल डोम का मतलब ये होता है कि एक डोम ऊपर है, अगर आप देख पा रहे होंगे, और एक डोम नीचे है, समझे कि नहीं समझे। अब व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि उसके बीच में जो है वो कैविटी है। व्हाट डू मीन बाय माय कैविटी माय फ्रेंड, हाँ कैविटी किसे कहते हैं, कैविटी का मतलब क्या है कि एक होलो स्पेस है। इन दिस होलो स्पेस What these people used to do is कि ये लोग इनफैक्ट वो है ना कि एक जगह रखते थे, एक स्पेस रखते थे, उसके पीछे का कारण क्या था बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका फंडामेंटल रीजन ये था कि एक तो आपकी साइज बहुत बड़ी दिखती है जब आप डबल डोम बनाते हो, तो ऊपर आपका एक डोम है, नीचे एक डोम है, गेटिंग माय पॉइंट नॉट, तो स्पाइस साइज बहुत बड़ी दिखती है और बिल्डिंग जो है आपका बहुत ग्रांड दिखता है। ग्रांड समझ में आ रहा है, मतलब वो है ना शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला, ठीक है। तो यू फाइंड द साइज ऑफ द बिल्डिंग क्वाइट ह्यूज, यू फाइंड द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, गेटिंग माय पॉइंट। साइमल्टेनियसली जब हम लोग तुगलक की बात करेंगे, जब हम लोग
तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे तो तुगलक के अंदर हमको तुगलक लोधी डायनेस्टी की बात करेंगे तो ये डबल डोम की खासियत एक और ये भी थी कि आपकी हीट से बचाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर गर्म होगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ अपन सूरत दादा है, ये सूरत दादा चुपती चलती गर्मी इनफैक्ट यहाँ पे नीचे डाल रहा है खटखट खटखट कर करके, ठीक है। तो सूरत दादा ने इसको तपाया, मतलब इट इज गेटिंग हीटेड डाउन। बट द मेन एडवांटेज ऑफ डबल डोम इज कि यहाँ दूसरा एक लेयर आ जाता है सो दैट द हीट विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट इनसाइड द बिल्डिंग्स। तो डबल डोम्स वर क्वाइट फ्रूटफुल, डबल डोम्स वर क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। और ये लोधी डायनेस्टी थी, उन्होंने बहुत सारे डबल डोम आर्किटेक्चर बनाए। तो लोधी डायनेस्टी के दौरान ठीक ठाक मस्जिद बनी, और इंक्लूडिंग लोधी डायनेस्टी के दौरान अगर आप देखोगे तो आपके और भी जो एलिमेंट्स बनते हैं वहाँ पे डोम आर्किटेक्चर का यूज़ काफ़ी अच्छी मात्रा में हुआ। डोम के अंदर भी आपके डबल डोम का होगा, कंसिस्टेड ऑफ अ हॉलो डोम इनसाइड द टॉप डोम, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। और वाई द डबल डोम आर्किटेक्चर वॉज यूज, ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो डबल डोम के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर रखेगा कि वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल डोम आर्किटेक्चर विच वॉज यूज बाय द लोधीस। दूसरा, लोधीस के जो डोम आर्किटेक्चर है, लोधीस के जो डोम आर्किटेक्चर है वो डोम कहाँ पे यूज होता है? तो डोम वॉज यूज इन द टॉम्ब, डोम वॉज यूज इन द टॉम्ब। टॉम्ब समझ में आता है, उसे हम लोग कहते हैं मकबरा। क्या कहते हैं? मकबरा। वॉट डू मीन बाय मकबरा माई फ्रेंड? मकबरा का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी को दफनाया गया है। जनरली सूफी संत को या कोई ऐसा किंग है उसको वहाँ पे दफनाया जाएगा, उसको बरी किया जाए। जैसे हुमायूं टॉम्ब, मैं कहूँगा हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का टॉम्ब है ना, अगर आपने देखा होगा तो उसको वहाँ पे बरी किया गया। ताजमहल भी अगर आप टेक्निकली देखोगे इट्स अ बरियल प्लेस ओनली। ताजमहल अगर आप देखिए तो टेक्निकली इट्स एन बरियल प्लेस। वाई बरियल प्लेस? क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें तो ताजमहल के अंदर भी बरी किया गया है शाहजहाँ को, उनकी बेगम को और उन सबको, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। लोधी के अंदर एग्जाम्पल्स कौन से याद रखने, याद रखिएगा। इन द लोधी डायनेस्टी इन्होंने कौन से बनाए? एक तो लोधी गार्डन्स बनाए। लोधी गार्डन्स आपको दिल्ली के अंदर मिलेंगे, वहाँ पे भी एक आपको डोम आर्किटेक्चर मिल जाता है, छोटा सा एक टॉम्ब भी मिलता है, मकबरा टाइप मिलता है। इंक्लूडिंग आगरा नाम का सिटी अगर आपको जानकारी होगी तो वो भी लोधी के दौरान ही बना, याद रखेगा। और सिकंदर लोधी जैसा किंग उसको बनाने की कोशिश भी करेगा, ठीक है। दूसरा, सिकंदर लोधी के टाइम पे याद रखेगा आपकी मौत की मस्जिद बनती है, ठीक है। मोती मस्जिद भी कहते हैं या मौत की मस्जिद कहते हैं, ये सिकंदर लोधी के टाइम के ऊपर बनती है। ये कहाँ पे आई बाय द वे, इसका लोकेशन मुझे बताइएगा, इन विच सिटी द मोती मस्जिद और मौत की मस्जिद इज लोकेटेड, ये आपका होमवर्क है। आई वॉन्ट यू कि टू आप ब्रेनस्टॉर्म करो, अपने हिसाब से देखो और सोचो कि यार कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग सिकंदर लोधी के टाइम पे ही अगर आप देखिए तो सिकंदर इब्राहिम के जस्ट बीच वाला टाइम था, वहाँ पे जमाली कमाली मॉस्क भी एक बहुत फेमस है। कौन सी है? जमाली कमाली मॉस्क। हाँ, ये भी कहाँ पे आई, ये भी याद रखिएगा, मुझे बताइएगा कि वेर इट इज़ लोकेटेड, वेर द लोकेशन ऑफ द जमाली कमाली मॉस्क इज लोकेटेड। तो आपको इतना पॉइंट मिडिवल आर्किटेक्चर के अंदर मेनली पता होना चाहिए। अच्छा, मिडिवल में तुगलक के अंदर एक चीज़ याद रखेगा, तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, पगला राजा जिसे हम लोग कहते थे, उसने एक मॉस्क बनाई है जिसका नाम है बेगमपुरी मॉस्क, याद रखिएगा। कौन सी मॉस्क है? बेगमपुरी। ये बेगमपुरी उसने कहाँ पर बनाई थी? तो इट वॉज एस्टेब्लिश इन द जहाँपना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जहाँपना मैंने आपको अभी बताया वॉज द कैपिटल। हाँ, जहाँपना यूज टू बी द कैपिटल, ये रहा ना आपका, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान, ठीक है। तो आप इतनी पॉइंट को रट्टा मार दीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एंड आंसर फ्रॉम दिस टॉपिक्स, ठीक है। तो इतना पॉइंट हम लोग मिडिवल आर्किटेक्चर के मेन आपके आर्किटेक्चर में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। अब प्रोविंशियल आर्किटेक्चर क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। प्रोविंशियल आर्किटेक्चर अगर आप देखेगा तो इंडिया के अंदर जब दिल्ली के सुल्तान अपना आर्किटेक्चर बना रहे थे, जब दिल्ली के सुल्तान अपना आर्किटेक्चर बना रहे थे उस दौरान आपकी जो अलग अलग डायनेस्टीज थी वो भी अपना आर्किटेक्चर बनाएगी। उस दौरान जो इंडिया में अलग अलग डायनेस्टीज थी वो भी अपना आर्किटेक्चर बनाएगी। जब दिल्ली के सुल्तान का कंटेम्प्रेरी टाइम देखेंगे, व्हेन वी सी द कंटेम्प्रेरी टाइम ऑफ द दिल्ली सुल्तान, तो कंटेम्प्रेरी टाइम ऑफ द दिल्ली सुल्तान वी फाइंड मल्टीपल डायनेस्टीज विल बी मेकिंग द आर्किटेक्चर एंड एज अ पार्ट ऑफ द दिल्ली सुल्तान। उस दौरान मैंने आपको बताया कि इंडिया के अलग अलग विस्तार में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। एक तो बंगाल के अंदर होता है, बंगाल के साथ साथ एक होता है जौनपुर के अंदर। जौनपुर के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ मिलेगा बीजापुर के अंदर, और बीजापुर के साथ साथ यू विल फाइंड कि आपको मिलेगा मालवा के अंदर। कहाँ पे? मालवा के अंदर। अब ये सब आर्किटेक्चर की खासियत क्या थी, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आर्किटेक्चर, याद रखेगा।
ये रीजनल आर्किटेक्चर था। रीजनल आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि ये जो आर्किटेक्चर था यहाँ पे जो राजा बनाने वाले थे उनका स्टाइल थोड़ा अलग था। मतलब वो है ना कि उनका मानना ये था कि भाई अपने कुछ नया बनाएंगे। अब इनमें से है ना बहुत सारे किंग पठान किंग हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे बेटा? पठान्स हुआ करते थे। और पठान जब किंग्स होते थे तो पठान किंग्स ने अपना आर्किटेक्चर थोड़ा अलग प्रकार से बनाया। याद रखेगा, द पठान्स विल बी मेकिंग द आर्किटेक्चर इन अ डिफरेंट फॉर्म कंपेयर टू द ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर विच वॉज बिल्ट बाय द दिल्ली किंग्स। ठीक है, तो एक एक करके आपको ये चारों की स्टाइल थोड़ा बहुत डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद आज के क्लास के अंदर हम लोग कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं वो है बंगाल आर्किटेक्चर। किसको? बंगाल आर्किटेक्चर को। अब देखिए बंगाल आर्किटेक्चर की शुरुआत कहाँ से होती है। बंगाल के अंदर हमने एंशियंट इंडिया के अंदर पढ़ा था कि बिटवीन 8th to 12th century ये पाल डायनेस्टी और सेन डायनेस्टी आर्किटेक्चर बनाने की शुरुआत करेगी। ये पाल डायनेस्टी अगर आपको जानकारी होगी ये तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बनाते हैं, और जो सेन डायनेस्टी है या सेना डायनेस्टी है वो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो आपके हिंदू आर्किटेक्चर बनाएंगे, वो टेंपल आर्किटेक्चर भी बनाएंगे। ठीक है, तो यू विल फाइंड जो हिंदू आर्किटेक्चर के अंदर जो टेंपल्स बनाते हैं और जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंदर वो चीज़ें बनाएंगी, तो उसकी खासियत ये हुआ करती थी कि इन्होंने जो आर्किटेक्चर बनाया उसमें बांग्ला डोम आर्किटेक्चर को बहुत फोकस किया। बांग्ला डोम एक ऐसी टेक्निक थी जो लोकली वहाँ पे बनती थी, जो लोकली वहाँ पे बनती थी, और इसी के कारण राइट फ्रॉम एंशियंट इंडिया और आई वुड से अर्ली मिडिवल इंडिया, बंगाल की जो आर्किटेक्चर की स्टाइल है इट वॉज रिफ्लेक्टेड इन द आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ द दिल्ली सुल्तान, सॉरी आई वुड से द लेटर बंगाल रूलर्स। तो बंगाल के अंदर पहले पाल और सेन डायनेस्टी है एंशियंट या अर्ली मिडिवल में, उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बंगाल के अंदर वहाँ के जो स्थानिक राजा थे, खास करके मैं कहूँगा कि 13th century onward से तो वहाँ की जो रीजनल डायनेस्टीज थी उन्होंने बंगाल के अंदर एक नए प्रकार की आर्किटेक्चर बनाई। ये आर्किटेक्चर की खासियत क्या थी आप समझने की कोशिश करो कि एंशियंट इंडिया के अंदर पाला किंग्स ने चैत्य विहार स्तूप जैसी चीज़ें बनाई थी और इसके कारण इनका आर्किटेक्चर थोड़ा अलग था। फिर उसके बाद सेना डायनेस्टी आई, उन्होंने टेम्पल्स बनाए, टेम्पल्स के अंदर भी डोम आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ये डोम को क्या कहते हैं? बांग्ला डोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको बांग्ला डोम कहा जाता है। व्हाट डू मीन बाय बांग्ला डोम? तो एक अलग ही प्रकार की टेक्निक है जो बंगाल के अंदर बनती थी, और इसके कारण ये जो बंगला डोम वाला पूरा का पूरा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको प्रोविंशियल आर्किटेक्चर में तो मिलेगा। उसके बाद जब मुगल्स पावर के ऊपर आए, मतलब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुगल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो मुगल आर्किटेक्चर में भी आपको इस प्रकार की डिज़ाइन मिलेगी। ठीक है, तो यू विल फाइंड कि जब हम लोग इनकी बात करते हैं बंगाल के अंदर तो आपको इस प्रकार की चीज़ें मिलेगी। तो यू विल फाइंड बांग्ला रूफ, मैंने आपको बता दिया ये बांग्ला रूफ अर्ली मिडिवल इंडिया में यूज़ करना शुरू किया था एंड इट वॉज मेनली बेसिकली डिजाइंड बाई द पाल डायनेस्टी एंड लेटर ऑन द सेना डायनेस्टी इन द टेम्पल आर्किटेक्चर। उसी का ही कंटिन्यूएशन आपको आर्किटेक्चर के अंदर मिलता रहेगा। तो पहला पॉइंट आपको आर्किटेक्चर में पता होना चाहिए कि भाई क्या सिग्निफिकेंस है वेन वी सी द केस ऑफ द आर्किटेक्चर इन इंडिया। अब देखिए बंगाल के अंदर मॉस्क आर्किटेक्चर काफी ठीक ठीक बने, उसमें से एक है आपका कदम रसूल मॉस्क, उसमें है कौन सा है कदम रसूल मॉस्क जो गौर नाम की जगह है वहां पे है, और दूसरा है आपका आदिना मॉस्क विच इज इन पांडुआ। ठीक है, तो ये दोनों फोटोग्राफ है आपके दोनों के दोनों मॉन्यूमेंट्स के, ये बंगाल के अंदर बनी है। याद रखेगा बंगाल के अंदर खासियत क्या है कि यहाँ पे आपको ब्लैक मार्बल का यूज हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? देखो कभी कभी यूजेज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे दिल्ली के सुल्तान ने रेड सैंडस्टोन का यूज किया था, अलाउद्दीन खिलजी और उन सब ने कौन सा मटेरियल यूज किया बेटा? तो दे यूज द रेड सैंडस्टोन। तो व्हेन द रेड सैंडस्टोन वाज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द दिल्ली सुल्तान, द पीपल इन द प्रोविंशियल किंगडम्स दे डिड नॉट यूज द रेड सैंडस्टोन, दे मेड श्योर दैट दे विल बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक मार्बल। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा अलग प्रकार का डिजाइन बनाने की कोशिश की एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये पता हो जाना चाहिए बंगाल के अंदर क्या बना। बंगाल के बाद जो दूसरा आपका आर्किटेक्चर का स्टाइल होगा उसे हम लोग देखेंगे बीजापुर जौनपुर और मांडू को, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये आर्किटेक्चर का स्टाइल कैसे उभर के आया और किसने बनाया था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मालवा। अब मालवा कहाँ पे आया, फिर से मैप के ऊपर देखेंगे, मालवा इज समवेयर ओवर हियर, और यहाँ पे मालवा के अंदर जो किंग हुआ करते थे उन्होंने अपनी एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बनाई,
और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अपने थोड़ा अलग प्रकार का आर्किटेक्चर बनाएंगे। मालवा आर्किटेक्चर की थोड़ी बहुत आपको प्रभाव जो है दिल्ली के आर्किटेक्चर के ऊपर पड़ेगी, या दिल्ली के अंदर आप वो है थोड़ा नजदीक वाला रीजन है, तो यू विल फाइंड लिटल बिट ऑफ सिमिलैरिटीज, बट इट हैड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मालवा की भी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स थी एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं कहूंगा कि मालवा के अंदर खास करके अगर आप देखोगे तो इन्होंने कलरफुल स्टोन्स का यूज़ ज़्यादा किया है और मार्बल्स का यूज़ किया है। कलरफुल स्टोन्स और मार्बल का मतलब क्या है, व्हेन यू सी द केस, तो इनकी खासियत ये थी कि इन्होंने रंग बिरंगी पत्थरों का ज़्यादा यूज़ किया है। और इस बंगाल में कौन सा है, ब्लैक। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान ने कौन सा किया था बेटा, तो दिल्ली के सुल्तान ने किया था रेड सैंडस्टोन ज़्यादातर लोगों ने, ठीक है। तो बंगाल के अंदर आपको एक फंडामेंटल चीज़ें ये मिलेगी, खास करके बंगाल के अंदर मालवा प्लेटू वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको धार और मंडू नाम की जगह है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, खास करके जब हम लोग आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट, आपको जगह पता होनी चाहिए कि विच प्लेसेस आर फेमस फॉर दी मालवा आर्किटेक्चर। ये मालवा आर्किटेक्चर को पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के किंग्स थे वो पठान हुआ करते थे, और इसके कारण इन्होंने थोड़ा अलग प्रकार की डिज़ाइन बनाई। अब देखो पठान्स की खासियत क्या थी, मूलभूत रूप से फंडामेंटली तो इस्लाम के ही फॉलोअर्स थे, बट इनकी डिज़ाइन की खासियत ये थी कि इन्होंने मीनार्स को यूज़ नहीं किया, याद रखेगा। बाकी नॉर्मली हमने दिल्ली के सुल्तान्स के अंदर क्या पढ़ा था बोलो बेटा, कि इन द दिल्ली सुल्तान्स वी हैड स्टडीड दैट मेजोरिटी ऑफ द सुल्तान्स यूज द मीनार्स। दिल्ली के सुल्तान्स की खासियत क्या थी कि सब लोग ने मीनार का उपयोग किया था, इन्होंने कहा कि भाई हम मीनार का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, तो पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे चलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने बड़ी बड़ी विंडोज़ बनाई है, लार्ज विंडोज़ बनाई है। और कोई कहता है कि सर ये जो लार्ज विंडोज़ है उस दौरान जो थोड़े बहुत यूरोपियंस आए थे उनसे इन्फ्लुएंस होके बनाई होगी। अब देखो ऐसा क्यों है, तो आपकी जब विंडो बड़ी होती है, व्हेन द साइज ऑफ द विंडो इज़ बिग, तो इट विल रिजल्ट इन टू आई वुड से मोर वेंटिलेशन और मोर स्पेशियसनेस। आपकी जगह भी बड़ी हो जाएगी, आपका वो है ना कि हवा उजास भी ज़्यादा रहेगा। इसके लिए शायद तक इन्होंने इस प्रकार के आर्किटेक्चर को यूज़ किया था। तो इसके लिए कहा जाता है कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस को ज़्यादा यूज़ किया गया है, और आर्चिस और पिलर्स को अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, बहुत बढ़िया प्रकार से आपको मिलेगी। इंक्लूडिंग इनके आर्किटेक्चर्स की खासियत क्या थी कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के अंदर आपको सीढ़ी मिल जाएगी, समझे आप लोग। जैसे ये आपका बिल्डिंग है, ये एंट्री वाले वाला है, ये आपकी खिड़कियाँ है, समझे आप लोग, और फिर उसके बाद आपका ये डोम है। हाँ, तो आपको मन की आँखों से देखो ये सीढ़ी है, ठीक है। तो यू विल फाइंड द यूज़ ऑफ स्टेयर्स, और ये स्टेयर्स को बहुत एस्थेटिकली बनाया जाता था। द स्टेयर्स वर डिज़ाइन इन अ वेरी एस्थेटिक वे, और ये एस्थेटिक वे के अंदर जब स्टेयर को डिज़ाइन किया जाता था तो उससे काफ़ी आपको अच्छी प्रकार की वो है ना कि एक बिल्डिंग दिखती थी कि यार बहुत मतलब है ना राजा ने पैसा वैसा खर्च किया है, यूज़ अच्छा किया है मटेरियल का, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ें इसके अंदर से मिलती रहेगी। तो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट था। अब मालवा के आर्किटेक्चर को बहुत सारे जो आर्किटेक्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली हुआ करता था। एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्यों हुआ करता था, उसके पीछे का कारण है, एक तो इन्होंने बड़ी बड़ी विंडोज़ बनाई बिल्डिंग के अंदर, जब बड़ी बड़ी विंडोज़ बनाई तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, वेंटिलेशन रहा। वेंटिलेशन रहता है तो आपकी डे लाइट अच्छी तरह से आती है, डे लाइट तो आएगी, इंक्लूडिंग आपका जो एयर का मैं कहूँगा कि पैसेज जो है वो भी मिल जाएगा, हवा उजास जो है वो भी रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट, तो वेंटिलेटेड रूम्स रहेंगे, लार्ज विंडोज़ रहेगी। दूसरी क्या है कि बिल्डिंग के ऊपर आर्क का यूज़ किया है, डोम टाइप का, डबल डोम्स का एट टाइम्स, ठीक है। तो जब आप इसका यूज़ करोगे तो इससे क्या होता है कि आपका कूलिंग अच्छा रहता है, तो वो है ना ठंडा रहता है आपका मॉन्यूमेंट। इंक्लूडिंग इन्होंने क्या किया कि अपने जो प्रीमाइसिस थे वहाँ पे जनरली स्टेपवेल्स बनाए। स्टेपवेल समझ में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेपवेल, तो स्टेपवेल क्या होता है बेटा बोलो, इनफैक्ट ठीक है कुआ होगा, छोटा सा कुआ होगा, मैं कहूँगा से फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्टेपवेल, यहाँ से आपको नीचे उतरना है, यहाँ से आपको नीचे उतरना है, दिस इज योर वाटर, गेटिंग माय पॉइंट, से फॉर एग्जांपल दिस इज योर वाटर, समझे कि नहीं समझे, और यहाँ से आप नीचे उतरोगे एंड यू विल ट्राई टू फेस द वाटर, से फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाला वाटर है आपका, गेटिंग माय पॉइंट, ये आपका वाटर है। तो स्टेपवेल का फायदा क्या होता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेपवेल, समझे कि नहीं समझे, कि जब हम लोग स्टेपवेल की बात करते हैं तो आप कोई भी इंसान होगा वो वहाँ पे जाके पानी लेके आ सकता है, समझे कि नहीं समझे। तो ये स्टेपवेल के फायदा है। जैसे आपका एक जगह है रानी की वाव, अगर आपको जानकारी होगी उसे क्या कहते हैं रानी की वाव, अभी जैसे 100 रुपीज़ की नोट के ऊपर आपको इसकी फोटोग्राफ मिल जाएगी, द क्वींस स्टेपवेल, समझे। तो स्टेपवेल को राजस्थान एमपी वाले रीजन में बावली कहते हैं, क्या कहते हैं बावली। तो ये बावली का यूज़ काफ़ी इन्होंने किया वाटर कंजर्वेशन को लेके। तो दो प्रकार से यूज़ हुए स्टेपवेल, एक तो वाटर सप्लाई
आपका रहेगा वाटर कंजर्वेशन रहेगा, इंक्लूडिंग आपका जहां पे भी स्टेपवेल रहेगा, जो भी एरिया में स्टेपवेल है उसके आजू बाजू में टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करेगा। क्यों? क्योंकि स्टेपवेल के यूज से फायदा क्या होता है, वेन वी यूज द स्टेपवेल व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द स्टेपवेल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम लोग स्टेपवेल का यूज करते हैं तो वाटर कंजर्वेशन में आपको बहुत एडवांटेजेस रहेगा। क्यों एडवांटेजेस रहेगा बोलो भाई? व्हाई इट विल बी एडवांटेजेस इन द वाटर कंजर्वेशन और आई वुड से टेम्परेचर एज वेल। तो एक तो आपको राउंड द क्लॉक 24/7 पानी मिल जाएगा, दूसरा एडवांटेज क्या है, टेम्परेचर डाउन करता है। क्यों टेम्परेचर डाउन करता है उसके पीछे का कारण बता देता हूँ। टेम्परेचर डाउन इसके लिए करता है क्योंकि जब आप देखिए इसकी बात करते हैं हम लोग प्रिसाइसली टेम्परेचर सेंट्रिक परस्पेक्टिव से, तो हमको क्या देखने को मिला, व्हेन वी सी द केस ऑफ टेम्परेचर, तो हमको यही देखने को मिलता है कि जहाँ वाटर बॉडी रहती है वहाँ ठंडा रहता है। तो वाटर बॉडी आजू बाजू में रहेगी, महल के आजू बाजू में, तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ें मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने लोकली अवेलेबल मटेरियल का यूज़ किया। लोकली अवेलेबल मटेरियल समझ में आता है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय लोकली अवेलेबल मटेरियल? लोकली अवेलेबल मटेरियल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मटेरियल है जो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे स्थानीय जगह से ही अवेलेबल था। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा, दूसरा बाम्बू से लेके जो भी आपके पास कुदरती रूप से अवेलेबल है उसको आपने यूज़ किया और इसके कारण ये चीज़ बनाई। ठीक है, तो मांडू गजब है। अगर आपको जानकारी होगी, एक MP टूरिज्म की एड भी आती है और वहाँ पे आपको 3-4 अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं। एक तो रानी रूपमती पवेलियन है, जहाज महल है और अशरफी महल है। याद रखेगा ये 3 जगह है, रानी रूपमती पवेलियन, जहाज महल एंड अशरफी महल। दिस आर द 3 बिग मॉन्यूमेंट्स जो वहाँ पे आए हैं। से फॉर एग्जांपल, इफ यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ, यू कैन सी द यूज ऑफ स्टेयर्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? दूसरी, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको विंडोज भी बड़ी बड़ी दिख रही है। ठीक है, और आपको कहीं पे भी मीनार नहीं दिख रही होगी। ओके, इन बोथ द पिक्चर्स वी डू नॉट फाइंड द यूज ऑफ मीनार्स। ठीक है, तो अगर आपको मौका मिले मांडू जाने के लिए तो देख के आइएगा। ठीक है, फोटो वोटो खींचेगा फिर मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा स्लाइड्स के अंदर। चलो यहाँ आ जाते हैं, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। कह सकता हूँ कि हमारे को स्टूडेंट पहचान वाले गए थे तो उन्होंने भेजा है, तो आपका भी थोड़ा बहुत नाम हो जाएगा। चलो यहाँ आ जाते हैं, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे मांडू के। ठीक है, तो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर बेटा याद रहेगा आपको? प्रोविंशियल आर्किटेक्चर की खासियत क्या है? एक तो मांडू वाला और दूसरा मैंने आपको बताया बंगाल वाला। अब देखते हैं बीजापुर और जौनपुर। बीजापुर जौनपुर की क्या खासियत है? लेट अस सी द केस ऑफ बीजापुर एंड जौनपुर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब देखिए जौनपुर की खासियत क्या है कि वहां पे भी अगर आप देखोगे तो पठान रूलर्स हुआ करते थे और ये पठान से आपके शर्की डायनेस्टी वाले कौन थे? शर्की। तो वहां पे जौनपुर जो यूपी वाले रीजन के अंदर है वहां पे इन्होंने ये आर्किटेक्चर की स्टाइल बनाई। और कहा जाता है कि जब ये जौनपुर आर्किटेक्चर बना तो इनके अंदर भी आपको मॉस्क मिलेगी और इनकी मॉस्क की खासियत ये हुआ करती थी कि यहाँ पे भी आपको मीनार्स का यूज नहीं मिलेगा। देखो मीनार्स मैंने आपको बताया कि दिल्ली के सुल्तान ने बहुत यूज किया, बट जो प्रोविंशियल किंगडम्स के राजा लोग थे उन्होंने नहीं किया। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, खास करके अगर आप देखोगे कि आपका कोई भी मॉस्क होता है, से फॉर एग्जाम्पल आपका ये मॉस्क है, तो मॉस्क की जो वॉल्स होगी, जैसे ये वॉल है, जैसे ये वॉल है, यहाँ पे आपको कलरफुल पेंटिंग्स मिलेंगे, आपको कलरफुल पेंटिंग्स मिलेंगे। समझ में आया आपको? तो कोई भी इनफैक्ट इंसान जब मॉस्क के अंदर आएगा, से फॉर एग्जांपल दिस इज द एंट्री ऑफ द मॉस्क एंड दिस इज द प्रेयर हॉल, तो दोनों साइड के ऊपर आपको पेंटिंग्स मिलते हैं। तो ये थोड़ी अलग प्रकार की आपको मॉस्क मिलेगी जो कंपैरेटिवली ट्रेडिशनली इस्लाम के अंदर पेंटिंग्स का यूज कम देखने को मिला है, एंड दैट टू इन द मॉस्क लाइक आर्किटेक्चर, वो तो बहुत कम मिला है, बट ये थोड़ा अलग प्रकार का चीज है। ठीक है, जौनपुर के अंदर एक फेमस मॉस्क आया हुआ है जिसका नाम है अटाली मस्जिद या अटाला मस्जिद, याद रखेगा द अटाला मॉस्क। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इज द अटाला मॉस्क लोकेटेड, तो यू शुड नो इट इज लोकेटेड इन जौनपुर। ठीक है, तो जौनपुर का इतना केस याद रहेगा। जौनपुर के बाद लास्ट आया बीजापुर। बीजापुर अगर आपको जानकारी होगी कि इसी को डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेक्कन के अंदर बना था और बीजापुर के अंदर जो स्थानिक किंग थे वो आदिलशाही डायनेस्टी के थे। कौन थे? आदिलशाही। और इन्होंने खास करके अगर आप देखोगे तो मॉस्क टॉम्स एंड पैलेसेस काफ़ी अच्छे तरह बनाए। इनके एक फेमस मॉस्क है जिसका नाम है गोल गुंबज, अगर आप देख पा रहे होगे, दिस इज अ वेरी फेमस मॉस्क और आई वुड से टॉम्ब आर्किटेक्चर दैट इज नोन एज गोल गुंबज। ये गोल गुंबज आपका अगर आप देखोगे तो बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है जो आपको इस दौरान यहाँ से मिलता है। ठीक है,
तो बहुत इंटरेस्टिंग केस आपको मिलता रहेगा। ये गोल गुंबज और बाकी बीजापुर के राजाओं की खासियत ये है कि इसको जब बनाया गया तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे मतलब विद इन द डोम आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं समझे। तो द ट्रीटमेंट ऑफ इट सिलीज विच वर विदाउट एनी अपेरेंट सपोर्ट, दैट मीन्स कि उसको कहीं यूज नहीं किया गया, उसकी जगह क्या यूज किया गया है, आयरन क्लैम्प्स को यूज किया गया, लोहे के गर्डर्स को यूज किया गया, जस्ट लाइक द कोणार्क आपके जो है ना उड़ीसा के राजाओं ने जो टेम्पल्स बनाए उनका जैसा बनाया है, स्ट्रॉन्ग प्लास्टर का यूज किया गया है, पत्थर आपको प्लास्टर के रूप में मिल जाएगा सो दैट बिल्डिंग का स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें आपको मिलती रहेगी, आपको मौका मिले तो बीजापुर जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर बीजापुर के अंदर भी मिलेगा। सो दिस इज हाउ द मिडिवल आर्किटेक्चर कम्स टू एन एंड, और मिडिवल आर्किटेक्चर के अंदर जो दिल्ली सल्तनत का जो आर्किटेक्चर था वो हमने कंक्लूड किया है। होपफुली मैंने आपको जस्टिफाई कराने की कोशिश की है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कैसे आर्किटेक्चर को ट्रीट किया जाता है, व्हेन वी सी एंड अंडरस्टैंड द केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन द मिडिवल इंडिया, ठीक है। तो हम लोग आज के सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मिलेंगे तो मुगल आर्किटेक्चर से शुरुआत करेंगे और मुगल आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि उनके फीचर्स क्या है और इंक्लूडिंग मुगल टाइम के अंदर किस प्रकार के आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद हम लोग मॉडर्न आर्किटेक्चर को देखेंगे। देख बेटा सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक जो कोई है वो आर्किटेक्चर ही है, आर्किटेक्चर के बाद बाकी सारे टॉपिक्स फटाफट हो जाएंगे, ये टॉपिक सबसे टाइम कंज्यूमिंग है और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, तो आप अपना पेशेंस जो है सब्र का लेवल है वो थोड़ा बना के रखेगा, धैर्य रखेगा, इट विल कम फ्रूटफुल व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हम लोग आज के सेशन को यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जो स्टूडेंट्स को अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़ना है उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यूज़ करिए मेरे कोड को PN लाइव को, बहुत ही आपको बेहतरीन कोर्स मिल जाएगा मेरा हिस्ट्री का और एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री का, बहुत जल्दी मैं लॉन्च कर रहा हूँ, आप ज्वाइन करिए। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कंक्लूड कर दिया है, बाय द वे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने 80 आवर्स के आसपास किया था, ठीक है। तो ये एंशियंट और मिडिवल भी करीबन उतना ही आगे पीछे करके हम लोग करेंगे एंड इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू, आई विल सजेस्ट। So you are most welcome to join my course on ancient and medieval history. Description box में feedback form की link है, मुझे ज़रूर से बताइएगा feedback देने के साथ साथ कि आपको ये sessions कितने fruitful लग रहे हैं। We will try to improvise as per your recommendations as well, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो भी। हम लोग next class में मिलेंगे, till then keep studying.